बनने जा रहा है दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर, जो ना चाइना में बन रहा है, ना जो सिंगापुर में बन रहा है, ना जो नार्वे में बन रहा है, ना जो बैंकॉक में बन रहा है, ना ही जो पाकिस्तान में बन रहा है, ये बन रहा है भारत में, गुजरात में। इस शहर के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। भारत की आज आबादी लगभग 140 करोड़ है, लेकिन 40 इसमें से 40 करोड़ लोगों को भी इस शहर के बारे में पता नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस शहर के बारे में मास्टर प्लानिंग करने पे गवर्नमेंट का माध्यम है कि वो दुनिया के टॉप स्ट्रक्चर में नंबर वन पे आए। आज के इस वीडियो पे इसी पे चर्चा करेंगे, कौन सा एक शहर है और कहाँ बन रहा है। नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो पे आप देखने वाले हैं इस शहर के बारे में कुछ जानकारी। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा शहर है। ये शहर दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है, जो पूरी दुनिया पे आज चर्चा पे है। बड़े से बड़े सफल कंट्री भी इस शहर को देख के ये अनुमान लगा रहे हैं ये धौलेरा है कहाँ। आपका सवाल आता हो ये धौलेरा कहाँ है, धौलेरा पड़ता है भारत के गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद सिटी के नज़दीक एक ऐसी जगह, जो कि आज से कई हजार साल पहले दुनिया का व्यवसायिक केंद्र हुआ करती थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उस जगह पे दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाने की परिकल्पना की, और उसी परिकल्पना का नतीजा है कि आज ये शहर बनने के लिए तैयार हो गया है, जहां पर रेसिडेंशियल एरिया होने वाला है, साथ ही साथ में वर्ल्ड क्लास रोड रहेंगी, जो बिल्डिंगें होंगी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी। आज इस शहर में कितना काम हो चुका है, इस सब बातों पे चर्चा करेंगे। कि अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं ये शहर कितना बड़ा है। दोस्तों, जितना बड़ा आज के समय में सिंगापुर है, सिंगापुर से ये 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा शहर है। अगर बात करें दिल्ली से, तो दिल्ली से ये 2 गुना बड़ा है। एग्जिट इसकी लोकेशन बनाने के लिए भारत सरकार ने बहुत सी जगह का चुनाव किया, अलग अलग स्टेट को उन्होंने ध्यान दिया, फिर फाइनल भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया कि इस शहर को हम ना बेंगलोर में बनाएं, ना मुंबई में बनाएं, ना सूरत में बना रहे हैं, ना दिल्ली में बना रहे हैं, इस शहर को हम बनाने जा रहे हैं अहमदाबाद के नज़दीक भावनगर के पास पे। ये वो जगह है जो काफ़ी समय से सुर्खियों पे है, जिसके बारे में हर समय चर्चा होती है। इस शहर में खास क्या होने वाला है, इस पे बात करते हैं। देखिए, शहर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस शहर की खासियत ये है कि ये सेल्फ सस्टेनेबल शहर है। आने वाले फ्यूचर में कोई भी किसी भी तरह की आपदा, विपदा, किसी प्रकार का अर्थक्वेक, ऐसी समस्याएं जिस भी शहर में आती है, वो शहर तुरंत उस समस्या से निपट नहीं पाता। लेकिन भारत सरकार ने इस पे फोकस किया और एक ऐसे शहर को बना के रख दिया जो डिग फ्री है। आने वाले 100 साल नहीं, आने वाले 500 साल की तैयारी करके ये शहर को बनाया जा रहा है। आज इसमें बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है, लोग यहाँ पर भर भर के ज़मीन और प्रॉपर्टी ले रहे हैं। इस शहर की खासियत एक और बात में ये है कि ये पूरा का पूरा बैरल लैंड में बनाया जा रहा है। बैरल लैंड कैसे, कि आप ये समझिए एक ऐसी जगह जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई फसल नहीं होती है, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन नहीं होता, खाली ज़मीन है, उसका भी भारत सरकार ने प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया है। ये चीज़ तो भारत सरकार से सीखने लायक है कि खाली पड़ी बंजर भूमि को भी किस तरह से प्रोडक्टिव बनाया जाता है। वैसे ये कॉन्सेप्ट भारत सरकार ने देखा है दुबई से। अगर आज से 30 से 40 साल पहले जाएंगे तो शेख जायद ने वहाँ पर फोकस किया था कि पूरी दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके दुबई का तेल का जो प्रोडक्शन वो कम होते जा रहा था, तो उन्होंने वहाँ की जो खाली रेतीली ज़मीन थी उसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया, फिर दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म हब बना दिया। और आज आप देख रहे हैं पिछले 30 सालों में दुबई का कोई टक्कर नहीं है। ऐसा ही कुछ करने वाली है भारत सरकार।
ये दुनिया का सबसे बढ़िया सब चीज़ें लेके आ रही है। मोदी जी इसमें बड़े एक्सपर्ट हैं। आप देखोगे अगर इन्होंने स्टेडियम बनाया है ना तो सबसे बड़ा स्टेडियम बना दिया दुनिया का, इन्होंने स्टैचू बनाया तो गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बना दिया। तो जो भी करते हैं मोदी जी बड़ा खास करते हैं। तो इसमें मोदी जी के विज़न को मदद करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनके साथ आई है। एक्चुअली मैं ये स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है, मतलब एक एक्ट बनाया गया है जिसमें पार्टनरशिप है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, जिसके वजह से ये प्रोजेक्ट कभी फेल नहीं होगा। इसे होगा ये कि कोई भी सरकार बदले, केंद्र की सरकार हमेशा उसके लिए फंड देगी और राज्य की सरकार इसके लिए लैंड देगी। इस वजह से ये प्रोजेक्ट लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड बन रहा है, लोग इस पर फोकस कर रहे हैं। अभी हाल ही में आप देख पा रहे हैं वर्ल्ड क्लास रिवर बना दी गई। इस शहर की एक और खासियत है कि इसमें आज के समय में 8 किलोमीटर की लगभग लंबी एक रिवर बनाई गई है, जिसमें 6 किलोमीटर से ज़्यादा बड़े क्षेत्र में रिवर व्यू बना दिया गया है, जहाँ पर गार्डन है, आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं और इस शहर को देख सकते हैं। और साथ ही साथ में इसका नज़ारा देखिए दोस्तों किस वर्ल्ड क्लास लेवल का है। आप थोड़ा सा आगे जाते हैं और इसके जस्ट देखिए ये डॉम बनाए गए हैं जिनके नीचे आप स्टे कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे जाते हैं ये रिवर का पानी दिख रहा है, और ये रिवर पहले से बनी रिवर नहीं है, ये आर्टिफिशियल रिवर है। आप बहुत ध्यान से समझिए, ऐसी रिवर बहुत कम शहरों में बनाई गई हैं, जिसमें भारत बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और धौलेरा स्मार्ट सिटी इसका जीता जागता उदाहरण है। अब ये शहर में जो व्यक्ति रहेगा उसकी लाइफ कैसे होने वाली है, तो देखो इस शहर में जो रहेगा उसको इस शहर से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी बच्चे को अगर बेटर एजुकेशन चाहिए इसी शहर में मिल जाएगा, उसको अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए यहीं मिल जाएगा, उसको बढ़िया फूड फैसिलिटी चाहिए यहीं मिल जाएगी, बच्चे को जॉब करना है यहीं अवेलेबल है, बिजनेस करना है यहीं से कर पाएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास बिजनेस हब बन रहा है। और अगली बात है, इस शहर में अगर आने वाले समय में 2-3 साल तक पानी नहीं भी गिरता है तो इस शहर में इस तरह से ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया कि पानी की फैसिलिटी हमेशा यहाँ पर रहेगी। बिजली इतनी सस्ती है कि दुनिया से सस्ती बिजली यहाँ पर लाई जा रही है। अगली बात है, इस शहर में आप साइकिलिंग का मज़ा ले लेंगे। आपके बच्चों को, या आप अगर बच्चे हैं तो आपको ओलंपिक की तैयारी करना है तो आप सोच रहे हैं इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा, बट ये शहर की खासियत है कि यहाँ आपको ओलंपिक की तैयारी करने के लिए यहाँ से कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। टूरिज्म की बात करें, वर्ल्ड क्लास टूरिज्म के लिए गवर्नमेंट ने पूरा फोकस किया है कि मैं कैसे इंटरनेशनल मार्केट को अट्रैक्ट करूं और किस तरीके से पूरी दुनिया की जो ऑडियंस है जो टूरिज्म के लिए इंटरेस्टेड है उसको मैं अपने धौलेरा पे लेके आऊँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके वजह से आज धौलेरा स्मार्ट सिटी की मास्टर प्लानिंग को पूरी दुनिया दाद दे रही है, और G20 के बाद में तो इसकी तो बढ़िया धूम मची है। अगर आप धौलेरा स्मार्ट सिटी विजिट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, और अगर आप इस बारे में और कोई सवाल करते हैं तो हमें कॉमेंट करें। अभी फ़िलहाल में इस शहर को 22 स्क्वायर किलोमीटर की एरिए को गवर्नमेंट ने वर्ल्ड क्लास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में डेवलप कर दिया है। वर्ल्ड क्लास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा साइकिलिंग ट्रैक बनाने जा रही है गवर्नमेंट। ये शहर अकेले इकलौते शहर के लिए 70 लाख से ज़्यादा पौधों को लगाया गया है। शहर को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि इसमें फ्यूचर में कभी गड्ढा खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसके लिए अंडर टनल के माध्यम से ही इलेक्ट्रिसिटी, गैस और साथ ही साथ में ICT पूरे के पूरे नेटवर्क को बिछा दिया गया है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस पे किसने काम किया है? विप्रो, IBM, इस तरह के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने बहुत सारे इंडस्ट्रियल और बहुत सारे टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में सुविधाएं दी है। इस शहर में अभी सोलर प्लांट के लिए काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, और इस शहर को जिस तरह से सोलर प्लांट का बेनिफिट मिलने वाला है उसमें रेनू पावर कंपनी अपना सेटअप लगा चुकी है, जो कि पूरे शहर में इसका डिस्ट्रीब्यूशनशिप में भागीदार होने वाली है। साथ ही साथ टोरेंटो जो कंपनी है वो उसमें अपना रोल प्ले करने वाली है। अब रेनू पावर के लाइव अपडेट को आप देख पा रहे हैं कि रेनू पावर किस तरीके से स्पीड के साथ अपना काम कर रही है। इस शहर में जब पानी को सप्लाई किया जाएगा तो उसके लिए पंपिंग स्टेशन को यूज़ किया जाएगा।
पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे रिफ्रेश हो जाएगा, इसके बाद वही पानी आएगा इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। पूरे शहर को सिंगापुर से बेहतर पानी मिलने वाला है। कहने का मतलब है कि इस शहर में सिंगापुर में 7% के लगभग पानी वेस्टेज होता है, इस शहर में मात्र 5% पानी ही वेस्टेज होगा। मतलब 95% पानी को बहुत अच्छे से यूज़ किया जाएगा, पानी की खराबी पानी की बर्बादी नहीं होने वाली है। रोड का लाइव अपडेट आपके सामने दिख रहा है और साथ ही साथ में इस पूरे दौर पे इंडियन गवर्नमेंट पूरा जोर लगा रही है कि इस शहर को कितना तेजी के साथ में डेवलप कर दिया जाए। बेसिकली कुछ लोगों को अभी इस बारे में जानकारी नहीं है, शहर में 6 DP हैं। अगर इस शहर को आप विजिट करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपनी तैयारी कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि इतना खूबसूरत शहर आखिर ऐसी बैरल लैंड में बनाया क्यों जा रहा है। इसके लिए तो गवर्नमेंट प्लान करके इस शहर को दिल्ली के पास भी बना सकती थी, या इस शहर को मुंबई के पास भी बनाया जा सकता था, या फिर किसी और स्टेट में भी इस शहर को बनाया जा सकता था। लेकिन इसके बाद भी ये सरकार इस धौलेरा स्मार्ट सिटी को गुजरात के धौलेरा गांव में ही क्यों बना रही है। तो चलिए इसको थोड़ा सा ना डिटेल पे समझते हैं, आखिर ये सब हुआ कैसे। बात ऐसी है कि भारत सरकार ने प्लान की थी कि पूरे दुनिया में हम अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि जब तक हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम अपने बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाएंगे। इस पे फोकस करने के लिए भारत सरकार ने एक ऐसे शहर की कल्पना की जो कि वर्ल्ड क्लास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से बना हो। इसके लिए धौलेरा स्मार्ट सिटी को बनाने की कल्पना की गई। 2009 में पहली बार मोदी जी ने अनाउंस किया कि दोस्तों हम भारत में दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाने जा रहे हैं, इसके लिए हमें पूरा विश्वास है, हम इस पे काम करेंगे। इसके बाद 2009 के बाद में पहली बार गवर्नमेंट ने प्लान किया, 2010 में मास्टर प्लानिंग हो गई और पहली बार 2017 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। तब से शहर को बनाने के काम को शुरू कर दिया गया। शहर को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने इसको वैसे ही नहीं बनाया कि बनाते गए, नहीं नहीं, इसके बनाने के पहले गवर्नमेंट ने इसकी प्लानिंग की प्रॉपर, और उस कंपनी के माध्यम से इसका मैप तैयार करवाया जिस कंपनी ने सिंगापुर और दुबई जैसी जगह का मैप तैयार किया था। हेलक्रो एकॉम जैसे बड़े वेंचर के साथ में इस शहर की मास्टर प्लानिंग की गई और फिर 920 स्क्वायर किलोमीटर में बनाने के लिए शहर को शुरुआत की गई। आज के समय में इस 920 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में से 22 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को बनाकर तैयार कर दिया गया है, जहां पर इतनी खूबसूरत रिवर व्यू है। ये कोई विदेश नहीं है, ये हमारे भारत का देश है। यहां पर यही आर्टिफिशियल रिवर को बनाया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आर्टिफिशियल रिवर होगी वो ये 100-200 मीटर की या 1-2 किलोमीटर की। जी नहीं, ये पूरे 8 किलोमीटर की है और ऐसे इस 920 स्क्वायर किलोमीटर के शहर में ऐसी और नदियां बनने वाली हैं। तो आप इमेज कर सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा होगा जब इस शहर के अंदर से लोग बोटिंग का मज़ा उठाएंगे। रोड ऐसी वर्ल्ड क्लास के जैसी, जहां पर एक और बड़े बड़े वाहन चलेंगे और दूसरी ओर पर्सन साइकिल चलाकर उसका मज़ा उठाएगा। पूरे शहर का वातावरण विदेश जैसा होगा। इस शहर में अगर आप अभी तक विजिट नहीं किए हैं तो विजिट करने का प्लान बनाइए। अगर कोई सवाल है तो आप हमें संपर्क जरूर करिए।